आलू की जो भुजिया बनाते हैं वो दो तरह से बना सकते हैं। एक तो वो जिसे हम मोटा स्लाइस करते हैं इस तरीके से, ये आलू की भुजिया जिसे थोड़ा मैंने मोटा साइज में काटा है, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा और मोटा रखा है। अक्सर लंच में छोटे बच्चों को आलू की भुजिया पसंद आती है, और उस टाइम में स्कूल भेजते हुए बच्चों की माँ अक्सर बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं। अगर वो भुजिया बना रही होती हैं तो वो इस भुजिया में थोड़ा बनाने में टाइम लगता है। आप ये ना काटें इस तरह से, आप दूसरे तरीके से इसे स्लाइस कर सकते हैं इसी भुजिया को, वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप इसे बहुत बारीक काट सकते हैं। ये मीडियम साइज में हो गया, जिसे मैंने स्लाइस किया है मीडियम साइज में आ गया। अब आप देख सकते हैं सबसे बारीक जो भुजिया है वो ये हो गया। आप अगर सुबह जल्दी में हैं, बच्चों को लंच देने की जल्दी है और बच्चे को भुजिया चाहिए, तो आप ये वाला इस तरह से भुजिया की साइज़ रख के बनाएंगी तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा। बहुत कम टाइम में ये बन जाता है, बहुत ही कम टाइम में। ये मीडियम साइज का है और ये थोड़े मोटे साइज में है। अब सुबह अगर आप जल्दी में हो और छोटे बच्चों को अगर भुजिया चाहिए तो आप ये वाला साइज काटें। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।